दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है, क्योंकि अब की बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती है जिसकी वजह से भारत 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली थी और भारतीय टीम बाहर हो गई थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के लिए खुशी की बात तो ये रही कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंटर स्क्वाड मैच में ही अपने तेवर दिखाते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। रविंद्र जडेजा ने प्रैक्टिस में क्या किया ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के एजिस बाउल स्टेडियम में खेलना है। वैसे तो भारतीय टीम के लिए फाइनल मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, ऐसी चेतावनी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भारत को पहले ही दे चुके हैं। लेकिन भारतीय टीम अब इस फाइनल मुकाबले को जीतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर होगा क्योंकि भारतीय टीम 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, लेकिन अब फिर वही घड़ी आ चुकी है जब भारतीय टीम अपने पुराने हिसाब किताब को चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि इस जंग को जीतने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दो टीमों में बांटकर एक अभ्यास मैच खेला गया, जहां एक तरफ अजिंक्य रहाणे की टीम थी तो दूसरी तरफ विराट कोहली की टीम थी, और दूसरे दिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, जबकि खेल का तीसरे दिन पूरी तरह से जडेजा के पक्ष में रहा। जडेजा ने पहले तो शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। जडेजा 67 रन बनाकर अर्धशतकीय पारी खेली उन्होंने और 53 गेंदों का सामना किया इस दौरान, जिसमें उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। जडेजा की चोट के बाद भारतीय टीम के लिए वापसी काफी ज्यादा शानदार रही, क्योंकि जब प्रैक्टिस मैच में ही रविंद्र जडेजा ने अपनी छाप छोड़ दी है तो हो सकता है कि फाइनल मुकाबले के लिए जडेजा भारतीय टीम के लिए मुख्य हथियार के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। पहले तो अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया उन्होंने, उसके बाद जब गेंदबाजी करने आए तो जडेजा का जादू तो गेंदबाजी में भी भरपूर देखने को मिला। जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से तीनों बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया और सिर्फ 28 रन देकर ही 3 सफलताएं प्राप्त की। जडेजा का प्रदर्शन देखकर तो रवि शास्त्री और विराट कोहली के भी होश उड़ गए, लेकिन भारतीय टीम के लिए तो ये खुशी की बात है कि रविंद्र जडेजा धाकड़ ऑलराउंडर इस फाइनल मुकाबले से पहले ही चेतावनी दे चुका है कि भारतीय टीम हर हाल में इस महामुकाबले को जीतकर ही इतिहास रचेगी। रविंद्र जडेजा का ये अंदाज देखकर तो किवी टीम में अभी से डर का माहौल बन गया है और विलियमसन इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता में नजर आ रहे हैं। विलियमसन ने अपने बयान में कहा कि रविंद्र जडेजा एक खतरनाक खिलाड़ी हैं और हमें इस फाइनल मुकाबले में जडेजा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जडेजा के लिए हमें रणनीति तैयार करनी होगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले फाइनल मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।